मसाज करने के बाद, बच्चे की ऑयल से मसाज करने के बाद लोई करेंगे। जो बर्थ हेयर्स होते हैं उन बालों को, मुलायम बालों को निकालने के लिए हम इस लोई का यूज़ करते हैं। इस लोई में आप आटा डालेंगे, बेसन और हल्दी, जो कि बच्चे की स्किन के लिए सेफ़ रहता है। उसके बाद आपको चिरौंजी का उबटन बनाना है। इस चिरौंजी को दूध में पीस लेते हैं। दूध ये में बना पिसी हुई देते हैं। चिरौंजी है, ये देखिए। इस तरह से इसका उबटन किया जाएगा। लोई करने के बाद हम उबटन लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये ऑयल मसाज करेंगे बच्चे की। ऑयल मसाज करने के बाद लोई का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आप चिरौंजी का उबटन यूज़ करेंगे। देखिए मसाज करने के बाद लोई का यूज़ कैसे करते हैं। पीछे बच्चे को सहारा देंगे हाथ से, उसके बाद ऊपर साइड, जिस साइड ये बाल जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड हम लोई को करेंगे। ना ज़्यादा तेज करना है, ना ज़्यादा स्लो करना है। इससे जो बच्चों के मुलायम बाल होते हैं, जो चेहरे पे होते हैं जन्म से आते हैं जो बाल, वो निकल जाते हैं, जिससे बच्चे का चेहरा क्लीन लगने लगता है। फेस पे करने के बाद ये हाथों में आप देख रहे होंगे ये रोम है इसके, इस पे भी ऐसे अपोज बाल इस साइड जा रहे हैं, तो इसको अपोजिट साइड करेंगे। ऐसे ही दूसरे हाथ में भी करेंगे। पूरी बॉडी में लोई को फेरना होता है। जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं स्किन पे, वो निकल जाते हैं इससे। आपको कम से कम लोई जन्म के 6 महीने तक करना होता है, मालिश, लोई और उबटन। ये देखिए बच्चे की बैक साइड में देख रहे हैं आप, ये अनवांटेड हेयर्स हैं, इन पे भी अपोजिट साइड फेरेंगे। ये बच्चे की लोई कंप्लीट हो गई है। पैर के पीछे के हिस्से में बाल ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन लोई फेर देने से अच्छा रहता है।